नमस्कार। सो मैं खड़ा हूँ मेयो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बाराबंकी के बाहर, और जिस तरह मुझे स्टूडेंट ने कहा था कि वाकई ही शायद ज़मीन आसमान का फ़र्क कहना तो कोई छोटी बात नहीं है बिटवीन हिंद एंड मायो, और किस्मत यह है कि 2 किलोमीटर का फ़र्क है। देखिए कॉलेज अस्पताल तो ये भी बनाया गया है, यहाँ भी आयुष्मान का इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बाहर जिसमें आपका फ्री इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर भाई चहल पहल आप देखिए सब कुछ देखिए, जबकि उस हॉस्पिटल से सिर्फ मैं 2 किलोमीटर अंदर आया, एग्जैक्टली 2 किलोमीटर, लेकिन उसके बावजूद फ़र्क पड़ गया काफ़ी। मेयो का इंफ्रास्ट्रक्चर साइज़ में हिंद से शायद बड़ा है, इसलिए इसके पास जो सीट इनटेक है वो ज़्यादा है हिंद से, हिंद बाराबंकी की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही बाराबंकी नहीं बट मैंने जैसे कहा कि लखनऊ से बहुत पास है, हिंद से ही एग्जैक्टली उस अंदर वाली रोड में 2 किलोमीटर अंदर तक एक रेलवे क्रॉसिंग हमने क्रॉस करी, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप देख ही रहे हो ATM है वो बंद पड़ा है रोड के बाहर, ये 2-3 पान वाले चाय वाले हैं आई थिंक, क्योंकि जहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ते ही हैं और प्रोफेसर फैकल्टीज तो आते ही होंगे और बाकी जो स्टाफ होता है तो उसके लिए ये 2-3 चाय वाले हैं, और क्योंकि चलती सड़क है बाराबंकी शहर से आ रही होगी तो उस वजह से यहाँ पर 2-3 चाय वाले बैठे हुए हैं जो बिल्कुल बेसिक चाय मट्ठी कचौड़ी बेच रहे हैं। तो शायद वर्ल्ड मेडिकल झज्जर के बाहर तो इतना भी नहीं था, तो यहाँ कम से कम इतना तो है, बट इसके अलावा मामला बहुत हल्का और टाइट है। तो देखिए वही बात है, दूर से लग रहा है देखिए कि जिसको खाली डिग्री चाहिए और MBBS करना है वो यहाँ पर आ सकता है, मतलब इसमें बहुत लंबा वीडियो भी मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि कुछ भी बताने के लिए नहीं है, फीस देनी पड़ेगी आपको, हॉस्टल कंपलसरी है, सब कुछ है, और ये बिल्डिंग थोड़ी सुंदर से बना रखी है, तो बाहर से अगर आप बिल्डिंग को देखोगे तो आपको हिंद के मुकाबले ये बिल्डिंग बेटर लगेगी, लेकिन आप गहराई में जाओगे तो भाई जो एक मेडिकल एजुकेशन में हमेशा कहता हूँ जो चीज़ें चाहिए उसमें काफ़ी फ़र्क है, और वही साबित भी हुआ। तो जो हम हमेशा यूट्यूब में कहते हैं कि नीचे वाले जो मेरे कॉलेज होते हैं कि भाई टॉप 6-7 के बाद ये जो नंबर 12 से नंबर 20 उस लिस्ट में ये कॉलेज आता है, डेफिनेटली सरस्वती उन्नाव या NCR या वेंकटेश्वरा से बेटर, लेकिन हाँ वो जो बस नीचे वाली ही रेंज है, शायद इसका फ़ायदा ये है कि जब नीचे वाली रेंज में हम जा ही रहे हैं तो प्रसाद के मुकाबले या मिश्रा के मुकाबले उसकी भी लोकेशंस मैं एग्जैक्टली आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसकी लोकेशन एक्चुअली थोड़ी बेटर है, यहाँ पर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए आना जाना मुश्किल नहीं है, लखनऊ सिटी से लखनऊ शहर है। हाँ एक चीज़ मैं और ज़रूर कहूँगा कि जो अक्सर ना नॉन UP वाले सेफ्टी को लेकर दिक्कत में रहते हैं, तो देखिए ऐसे कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश में आपको फ़ील होता है, क्योंकि अभी आप इतने मेन लखनऊ सिटी के आसपास ही हैं और रूल्स को लेके कानून को लेके उतनी समस्याएं अब नहीं रह गई हैं, तो खासकर जो नॉन UP के लोग हैं आसपास के राजस्थान के मध्य प्रदेश के जिनके मार्क्स कम आए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश हम जानते ही हैं कि बिकॉज ऑफ मेधावी छात्र योजना वहाँ तो प्राइवेटी कट ऑफ भी 500 के ऊपर रहती है, और राजस्थान इज़ टू एक्सपेंसिव, राजस्थान चाहे राजस्थानी के लिए क्लोज स्टेट है पर वहाँ तो मिनिमम फीस 18-20 लाख रुपए है अदर देन MGM, और उसके बाद सारी 25 है, यहाँ पर आपका वही काम हॉस्टल मिला के 70-72-70 लाख तक में हो जाता है। तो अगर आपको बजट में अपनी MBBS करनी है और हरियाणा और UP दो ओपन स्टेट्स हैं नॉर्थ में, तो उसके उस नज़रिए से आप देख सकते हैं इसको कि अ कॉलेज टू गिव यू अ MBBS डिग्री, पेशेंट फ्लो बहुत कम है, और बाकी तो पढ़ाई वगैरह तो देखिए अंदर जाके पता चलती है, और हर जगह प्रोफेसर तो वगैरह रखे जाते ही हैं, फिर भी इन लोकेशन का फ़ायदा देखिए ये रहता है कि एज ए प्रोफेसर आप लखनऊ शहर में रह रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया था जो बेटर लखनऊ है जो गोमती नदी की इस तरफ है, उससे जो भी एक अच्छा प्रोफेसर है वो 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं, तो पीपल ज्वाइन, और अंदर गाड़ियाँ तो खड़ी थी पार्किंग में, मोस्टली वो फैकल्टीज और प्रोफेसर की होंगी, तो उस सब के मद्देनज़र एक ऑप्शन है आपके पास अपनी MBBS डिग्री लेने के लिए, कहने को यहाँ PG भी चल रहा है, लेकिन उस PG का क्या महत्व है, वो PG से आपको क्या फ़ायदा होगा वो देखने वाली बात है, और मैंने आपको मैंने कई बार पहले भी समझाया है कि सिर्फ PG होना इज़ नॉट अ थिंग, PG की अप्रूवल का तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब होता है और आपको मिल जाती है, असली बात ये होती है कि जब PG आप पढ़ा रहे हो तो क्या आपके पास उतने पेशेंट उतना वो है, और कभी कभार PG होना नेगेटिव हो जाता है अगर पेशेंट फ्लो कम है, ये मुझे एक गहरे डॉक्टर ने ही बताया, कहता गिने चुने पेशेंट आ रहे हैं तो जो PG के स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो भी प्रैक्टिस करनी है ना, तो उन सारे पेशेंट्स को तो फिर PG ही ट्रीट करते हैं,
तो MBBS के बच्चे को तो एक भी स्टूडेंट को हाथ लगाने का मौका नहीं मिलता। एक्चुअली मुझे BDSC कॉलेज ने कहा था कि सर जहाँ MDS नहीं होती, अगर पेशेंट फ्लो देखिए, पेशेंट फ्लो अगर इतना ज़बरदस्त है कि BDS वालों को भी मौका मिल रहा है, MDS वालों को भी मिल रहा है, या इस केस में MBBS को भी मिल रहा है, MD को भी मिल रहा है, तो ठीक है। कि जहाँ इतना कम पेशेंट फ्लो है वहाँ पर तो फिर PG का बच्चा चाहेगा ना कि वही उन पेशेंट्स को ट्रीट करके अपना हाथ साफ करे, तो MBBS का नंबर तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो यहाँ की इंटर्नशिप भी ऐसे ही होगी कि बस आप अटेंडेंस लगाओ और हॉस्टल में जाके सो जाओ। ओके, तो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। आप जानते ही हमारा नंबर 9643362320। अगर आपको हमारा प्रीमियम पैकेज लेना है, और मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि वी चार्ज मनी टू टॉक टू स्टूडेंट्स टू पीपल, बिकॉज हमें कोई कॉलेज, इवन मायो जैसा कॉलेज भी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी भी कंसल्टेंट को कुछ किक बैक या कमीशन नहीं देता। क्योंकि इंडिया में MBBS का सिस्टम ही ऐसा है कि जितनी सीटें हैं सारी की सारी भर जाती हैं। हाँ, 2023 में जिस तरह थोड़ी सीटें खाली जा रही हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस प्रॉब्लम, राइट। वरना जो घटिया से घटिया कॉलेज है उसकी भी फुल सीटें फुल हैं। अगर मैं हरियाणा के सारे कॉलेज की बात करूँ, क्योंकि हरियाणा ने बड़ी स्मार्टली अपनी काउंसलिंग करी, तो उन्होंने लास्ट राउंड ऑफलाइन स्पॉट कर दिया, वरना इस कॉलेज की भी सीटें पूरी भर जाती हैं। तो इसलिए देखिए, जिस कॉलेज की सीटें भर दी हैं उसे किसी को कमीशन देने की क्या ज़रूरत है, और डेफिनेटली आपको ऊपर से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग से आपको सीट मिलनी है। ऊपर से पैसे से तभी देने पड़ते हैं जब ऑफलाइन कॉलेज में राउंड हो रहा हो और कॉलेज वाले चाहते हों। तो UP में तो नहीं हो रहा 2-3 साल से। तो ये वीडियोस बनाने का मेरा पर्पज़ यही होता है कि आपको एक आइडिया लग जाए, क्योंकि देखिए मेरा काम ये है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मुझे शौक़ भी है ट्रैवल करने का विद फैमिली, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप तो एज ए पेरेंट, विद योर पेरेंट आप 200 कॉलेजों में नहीं जाओगे, तो 200 का मैंने आपको आइडिया दे दिया ताकि जब आप हमारे प्रीमियम कस्टमर बनते हो तो हम आपको बेटर और ऑप्टिमल सीट दिला सके। जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि पर्पज़ ऑफ GK वर्सन विवेक गुप्ता इज़ टू गेट यू दी ऑप्टिमल सीट। तो हम आपको, अगर आपके नंबर 300 हैं और आप मायो में आ रहे हो तो ठीक है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है और आपको कम बजट में ही कॉलेज चाहिए, राइट। तो हम वो बता के बताते हैं, वैसे ही शायद हमारी खासियत है। तो ये आपके सामने बाहर ना, ATM भी बंद पड़ा है, इससे एक आइडिया लग जाता है आपको कि अंदर का माहौल भी कितना ठंडा है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।